हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे आप खैरियत से हैं। तो थंबनेल देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आज की वीडियो में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह इस मदर ने अपनी बेटी का हेड शेव किया, वो भी होम पे और एक ब्लैक कलर की मशीन की मदद से। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आइए आज इस लड़की को गंजा होते हुए देखते हैं। आए मेरे साथ जुड़िए रहे ताकि आप सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आज की वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग है। यार इसको लंबे बाल भी सूट कर रहे थे। आई थिंक कि इसके बालों में, इसके सर में जो है ना जुएं होगी, तो इसकी वजह से इसकी अम्मी ने गुस्से में आकर इसके सर पे मशीन चला दी। कैसे लगता नहीं है, जितनी ये बड़ी है इसको अपने बालों की केयर करनी चाहिए। बट आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको लाइव मनाजर दिखाए जा रहे हैं इनकी हेड शेविंग के। ओह माय गॉड, काश इस आंटी की जगह पे मैं इसकी हेड शेविंग करता तो और एक मजा आता यार। क्या कहते हो आप यार? लेकिन यार इतने बड़े बड़े बालों को हेड शेविंग करना मेरी समझ से बाहर है यार। होता है यार कुछ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अपने बालों से, कुछ लोगों को एलर्जी होती है या और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से आप हेड शेविंग करवा सकते हो। समझ आता है कि यार इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम या रीज़न नहीं है तो फिर आप हेड शेविंग करवाते हैं यार, क्योंकि आपके जो बाल हैं उनसे आपकी खूबसूरती में बहुत, आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके पर्सनैलिटी को मतलब दुबला करती हैं। तो आपके जो बाल होते हैं, स्पेशली आपके चेहरे के जो बाल होते हैं, हेड हेयर्स होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत उनका असर होता है। और जिनके ज़्यादा खूबसूरत बाल होते हैं वो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं दूसरे लोगों की नस्बत। तो ये भी देखें अभी इस लड़की के पहले कितने खूबसूरत बाल थे, लेकिन अभी इसकी जब ट्रेंड हो जाएगी तो ये बिल्कुल थोड़ी सी मतलब अजीब सी आई थिंक दिखाई देगी। बट अभी देखते हैं कि किस तरह का इसका फेस नजर आएगा। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट में अपनी कीमती राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, कि क्या इस मोहतरमा को अपने हेड शेव करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना चाहिए था। इसके बारे में ज़रूर अपनी कीमती राय शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करने लगूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप इस वीडियो को भी देख सकें और कमेंट में अपनी कीमती राय का भी इजहार कर सकें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। ओह वाह।